भगवान शिव को प्रसन्न किए बिना सृष्टि के रहस्य को नहीं जाना जा सकता। इसी के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे बड़ी सर्न लैब में भगवान शिव की ये नटराज प्रतिमा स्थापित की है। आज सारा वैज्ञानिक जगत भी भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करता है और वो मानता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं सब चीज़ों में। कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा है, नाउ द साइंस इज कमिंग टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ लॉर्ड शिवा। सर्न में लगी योगेश्वर भगवान शिव की ये विशाल नटराज प्रतिमा ये बताती है कि वैज्ञानिकों को भी भगवान की उपस्थिति में पूरा भरोसा है। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मौजूद एक लैब है। इस लैब में वैज्ञानिक पदार्थों पर स्टडी करते हैं। 1960 में भारत का सर्न के साथ एसोसिएशन हुआ था और इंडिया इसका सदस्य भी है। लैब के वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे समय में हम फिजिक्स की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भगवान शिव के इस कॉस्मिक डांस को चित्रित करते हैं। कॉस्मिक डांस का रूपक भगवान शिव के उस तांडव नृत्य से मेल खाता है जो वे महाप्रलय के समय में करते हैं। ये धार्मिक ज्ञान व मॉडर्न फिजिक्स का मिश्रण है। दुनिया की इस सबसे बड़ी फिजिक्स लैब में भगवान शिव की ये मूर्ति वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है। भगवान शिव सृष्टि के अधिपति हैं। हर प्राणी की चेतना में शिव जी का वास है। सूर्य व चंद्र जिनके नेत्र हैं, वायु जिनकी सांसें हैं और प्राणियों को जीवन देने वाली ऊर्जा भगवान शिव की शक्ति है। योग के आदि गुरु भी भगवान शिव ही हैं। मित्रों, दुनिया के सबसे बड़े महायोगी ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा ने भी कहा था, बच्चा अगर समाज की सही उन्नति और विकास चाहते हो तो विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म का समन्वय होना चाहिए, तभी ये विज्ञान तुमको सुख पहुंचाएगा और मनुष्य शांति को प्राप्त हो सकेगा। वैज्ञानिक भी इस बात को ईश्वर की प्रेरणा से मान रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब में रखी ये भगवान शिव की विशाल प्रतिमा। 2 मीटर से भी बड़ी ये शिव जी की प्रतिमा इस लैब के प्रांगण में स्थापित है जो वहाँ के वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है और ये दर्शाती है कि विज्ञान को भी अध्यात्म का पूरा साथ चाहिए, तभी वो अध्यात्म के सहयोग से जन कल्याण कर पाएगा और अपनी नई नई खोजों में मानव की उन्नति को तलाश पाएगा। क्योंकि शरीर के अंदर की ऊर्जा तो आखिर भगवान से ही प्राप्त होती है। हमारे चलने उठने खाने पीने और सभी क्रियाओं में जो ऊर्जा छिपी है, हमारी खोजों में जो ऊर्जा और उद्देश्य छिपा है, अंततः सबका लक्ष्य मनुष्य की सुविधा करना ही है। और भगवान की उपस्थिति के बिना ये कैसे संभव हो पाएगा? दुनिया की सबसे बड़ी इस सर्न लैब का उद्देश्य ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानना है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और इस रहस्य को जानने के लिए सर्न के वैज्ञानिकों ने भगवान शिव की आशीर्वाद लेना उचित समझा, क्योंकि भगवान शिव आदि गुरु हैं और उनकी कृपा के बिना ये रहस्य नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा ने कहा था, बच्चा विज्ञान भी सराहनीय है क्योंकि अंततः वो सत्य की ही खोज में लगा हुआ है। आज पाश्चात्य जगत भी अध्यात्म को प्रणाम करता है और अध्यात्म की ऊंचाइयों को स्वीकार करता है। अब वो समय आ गया है जो श्री देवराह बाबा के द्वारा कही गई वे बातें सत्य सिद्ध होंगी, यानी अध्यात्म का विज्ञान के साथ
कम्युनिकेशन होगा और ऐसा आगे देश के भले के लिए ही होगा। दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब जो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, वहाँ से ये शुरुआत हो गई है कि अब अध्यात्म का विज्ञान से मिलन होगा और ये मिलन पूरे विश्व को एक धागे में पिरो देगा। श्री देवरा बाबा की ये बातें अब सत्य सिद्ध होने वाली हैं। विज्ञान और अध्यात्म से आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। राधे राधे।